हमारे पास नेक्स्ट है, जैसे आप लोग कह रहे हो बेटा, ईएमएफ्स कंपेयर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी पुत्र कह रहे हो। आइए बेटे देखिए इनको सबको वन बाय वन बेटा। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर क्या है? जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं, यू ऑलवेज से दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट व्हेन ए कॉन्स्टेंट करंट इज मेड टू पास थ्रू द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात कर दूं बच्चों, वी अपॉन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ आपका करंट कांस्टेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तब ये आपका वैलिड रहता है। इसके लिए बेटे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन करिएगा हमारे पास बैटरी है, हमारे पास बच्चों एमीटर है, हमारे पास बेटे रियोस्टेट है, और आपने की लगा दिया। बेटे सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा, ये वाला आपका ऑक्सिलरी सर्किट कहलाता है। जो सर्किट हम अभी प्रेजेंटली लगा रहे हैं, ये सारे ही पोटेंशियोमीटर सर्किट्स में लगेगा और कॉमन होता है और हर एक में लगता है। इतना हिस्सा जो है, इतने वाला पार्ट जो है, इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट बेटे। इसमें आपने इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको अकॉर्डिंगली टर्मिनल्स को आपने मार्किंग कर दिया और ये चीज बन गई बच्चों। अब आप जब तो प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर करना चाहते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे एक बेटा वोल्ट मीटर लगा दीजिए और वोल्ट मीटर को आप एक जॉकी के साथ कनेक्ट करके और जॉकी को अक्रॉस द वायर 25 25 25 25 सेंटीमीटर के फर्क पर ऐसे टच करवाते चले जाइए और बी नोट करते जाइए कि आपका वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है। और यहाँ पे आपको पोलैरिटी का खास ध्यान रखना होगा, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव उस तरफ ही आपके वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये जरूरी है। अदरवाइज फिर बेटे हमें थोड़ी सी दिक्कत जो है वहां पे आ सकती है। इसके बाद आप बड़े अच्छे से जानते हो आपका वी जो है आई इंटू आर के बराबर हुआ करता है बेटा, और आर आर बेटे आपकी इस वायर का रेजिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक आपकी जो वायर है, और ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसको बेटे आप लोग कुछ इस तरीके से लिखा करते हो, रो इंटू एल बाई ए करके। ठीक हो गई बात पुत्र? अब और ध्यान दीजिएगा, आपने बिगनिंग में कहा था कि करंट आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, ये आपका कांस्टेंट हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म वायर अगर होगी तो वो भी कांस्टेंट हो गया। रो इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर यू हैव अडॉप्टेड ओवर हियर, तो इसका मतलब है ये और ये तीनों कांस्टेंट्स हो गए। बी आपका देन बेटे दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एल, बी अपॉन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका बेटे प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर बच्चों हो जाता है। बेसिक सर्किट नो चेंज। इसी सर्किट से मैं ईएमएफ को कंपेयर करके दिखाता हूं, आइए ईएमएफ का कंपैरिजन करके देखें, देन हम बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है इसमें फोकस करेंगे। आइए कंसंट्रेट करें, समझें जरा। जब आप ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल्स बेटे कंपेयर करना चाहते हैं, आपने ये एक सेल लगाया इस तरीके से, दूसरा सेल आपने यहां पे लगा दिया, और दिख रहा है आपको बेटा कि नहीं, विजिबल है कि नहीं? और आपने इन दोनों सेल्स के साथ बेटा की लगा दिया इस तरीके से, दो स्लॉट्स वाला की आपने लगा दिया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को आपने जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया एस एच। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव हम जनरली नहीं देखते हैं क्योंकि दोनों तरफ वो डिफ्लेक्शन दे दिया करता है। सो जब आपके पास बेटे ये आ जाएगा सेटअप,
तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव का खास ध्यान रखेंगे। और आपको बेटे देखो, जब आपने प्रैक्टिकल किया था ना, आपने उस टाइम पे ये देखा था कि ये वाली की जब आप इंसर्ट कर देते हो, आपका गलवेनोमीटर यहाँ पर और यहाँ पर टच करके अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन दे देना चाहिए। असल में हम बेटे अगर सोचें, हम कर क्या रहे हैं, हम इस बैटरी के, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं, इस बैटरी के अपोजिट ये सेल लगा रहे हैं, इनको एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं। तो एक के अपोजिट दूसरे को लगाओगे तो कहीं ना कहीं पे तो बैलेंस हो जाएगा, और वो बैलेंसिंग लेंथ ही आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। जब आपने बेटा ये वाला की इंसर्ट किया, ध्यान से समझिएगा पुत्र, ये आपका EMF E1, ये आपका EMF E2। EMF E1 आपको L1 बैलेंसिंग लेंथ पर बैलेंस पॉइंट दे देता है, और E1 बच्चों आपका KL1 के बराबर आ गया जी। उसके बाद आपने इसको की को निकाल दिया, ये वाला की बेटा इंसर्ट किया, और आपका अब बैलेंसिंग लेंथ L1 के बराबर नहीं रहेगा, जैसे आप ऑलरेडी कर भी चुके हो प्रैक्टिकल अपने। यस हंडी, ना ना ना, इसमें 100 नहीं है, ये 400 सेंटीमीटर है। इसमें बैलेंसिंग लेंथ आपका L1 से अलग आ जाएगा, क्योंकि इस सेल की पुत्र समझिएगा, इसकी EMF इसके बराबर की नहीं है। आपने कॉपर के वेसल वाला सेल यूज किया था, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला, एक आपका लकलेंचे सेल था, एक डेनियल सेल था। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, उनमें केमिकल अलग डले हैं, क्वांटिटी अलग डली है, उनका ईएमएफ बराबर नहीं हो सकता। और अगर एक सेल का ईएमएफ दूसरे सेल के बराबर नहीं है, तो बैलेंसिंग पॉइंट भी बराबर नहीं होगा, L1 के डिफरेंट होगा L1 के कंपैरेटिवली। सो E2 विल बी प्रोपोर्शनल टू L2, E2 विल बी इक्वल टू KL2 बेटा। इसको आप इससे सिंपल डिवाइड कर दीजिए, जो भी L1 या L2 बड़ा है उसको ऊपर रख लेना, दूसरे वाले से डिवाइड कर देना। अगर L2 बड़ा है तो इससे डिवाइड कर देना, L1 बड़ा है तो इससे डिवाइड कर देना। सो E1 अपॉन E2 आपका L1 अपॉन L2 के बराबर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से EMFs का बेटा सिंपल कंपैरिजन बेटे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल विद द सेम ऑक्सिलरी सर्किट, आप अपने दोनों सेल्स की बेटे EMFs को कंपेयर कर सकते हैं। चले पुत्र जी आगे, सेम ऑक्सिलरी सर्किट यूज करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे वर्कआउट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आइए जरा इस बात के ऊपर भी फोकस करके देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे निकाला जाता है। सो आइए बेटा, वंस अगेन आपका बेसिक ऑक्सिलरी सर्किट सेम रहेगा, नो चेंज एट ऑल। और आपने ये एक सेल यूज किया, सेल को आपने गैल्वेनोमीटर से अटैच किया और जॉकी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। ऐसे आप इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, और आपने इसकी मार्किंग कर दी ऐसे। आपको याद होगा, आप इस सेल के क्रॉस लैब में शंट रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया करते थे, ये आपने शंट लगा दिया जी एस, इसके अक्रॉस यहां पे लगा दिया की, और इसको की को आपने के डैश कह दिया, उसको के कह दिया, और कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपना सर्किट कुछ इस तरीके से रियलाइज कर सकते हो। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, सेकंड हमारा जो यूनिट है, इसमें बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो है ई अपॉन बी -1 इंटू आर के बराबर आप ऑलरेडी बेटे कर चुके हो। यहाँ पे आप जब के डैश की इंसर्ट करोगे, शंट की कुछ वैल्यू आप चूज करने वाले हैं, आपका आर यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, और आपका ई अभी अभी आप कर रहे थे, आप जब ये वाला की इंसर्ट नहीं करोगे, आपका ओपन सर्किट रहेगा, आपके इस सेल का करंट इसके क्रॉस यूज नहीं हो रहा है, आपको ईएमएफ ऑफ द सेल इसके क्रॉस बैलेंस होके मिल जाएगा, और आपका ईएमएफ जो होगा इट विल बी KL1 कह देते हैं। सेकंड टाइम आपने क्या किया, आपने की के डैश को बेटा इंसर्ट किया और एस की वैल्यू आपने चूज कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि
कि आपकी इस सेल का करंट इसके अक्रॉस यूज हो रहा है, आपका क्लोज सर्किट बन गया और आपको अब इसके अक्रॉस में का ईएमएफ नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वी मिलेगा। सो आपका बैलेंस पॉइंट आपका अगर एल टू के बराबर है तो वी विल बी के एल टू, बी आपके पास है, ई आपके पास है, आर आपके पास है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास स्मॉल आर जो है के एल वन के एल टू -1 इंटू एस के बराबर आ गया जी, के आपका कट गया, स्मॉल आर विल बी एल वन अपॉन एल टू -1 इंटू एस हो जाएगा जी। सो इस तरीके से आप बेटा इसको वर्कआउट कर सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आपका यूज होता है इसकी बेटे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और इस बार तो टर्म वन में तो आपका बेटे प्रैक्टिकल में ये है ही है, दोनों ही है, अलग अलग दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से एक तो परफॉर्म करना पड़ना ही है। सर्किट अभी आपके टर्म वन के पेपर भी होने हैं तो प्रैक्टिकल भी होने ही है, दैट इज ऑल फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड साइड। यस ठीक है जी, सो यू आर अगेन एडवाइज टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, और साथ ही साथ अपना बेटा पुत्र बेटे अपनी फाइल्स भी अपडेटेड रखिएगा। आपका ग्रुप टू को तो प्रैक्टिकल उन्होंने कर लिए हैं सारे, ग्रुप वन के पढ़े हैं तो वो मैं मंडे को करवा दूंगा, देन आप अपना प्रैक्टिकल फाइल भी रेडी कर लीजिएगा। राइट बेटा चले आगे। इसके बाद देखिए जैसे आप कह रहे थे सेल्स की ग्रुपिंग क्या होती है, आइए कंसंट्रेट करें ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स क्या है और कैसे आप सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए आफ्टर द ग्रुपिंग बेटे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीरीज ग्रुपिंग क्या है, पहले तो सीरीज ग्रुपिंग में बेटा आप एंड टू एंड सेल्स को ज्वाइन कर देते हो। आपके पास एक सेल ये पड़ा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, ईएमएफ इसका E1 के बराबर है, और आपने एक और सेल कनेक्ट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है, सेल्स आपके आइडेंटिकल हो सकते हैं और ईएमएफ रहेगा अगर आइडेंटिकल है तो। तीसरा सेल है और आर आ गया, दिस इज ई, इन दिस वे आप अपने सेल्स की ग्रुपिंग बेटे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपने क्या किया, इनके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को अटैच किया, दिस रेजिस्टर इज अटैच्ड, और आपने ऐसे मैनेज कर लिया था। अब इसमें बेटे जब आप अपना ये की वगैरह लगा दोगे आपका इलेक्ट्रिक करंट आई इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स एन के बराबर हैं तो आपका नेट ईएमएफ, डियर चिल्ड्रन जो होगा नेट ईएमएफ आपका जो है ई प्लस ई प्लस ई सो ऑन एन टाइम्स आ गया बेटा, एंड इट विल बी इक्वल टू एन इनटू ई बेटे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है। यस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका इंटरनल जो है एन इंटू आर आ गया, और बाहर वाला भी सीरीज में लगा हुआ है इसके साथ, तो आर नेट आपके पास आ गया कैपिटल आर प्लस एन आर के बराबर, और बच्चों आई इट विल बी इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन इंटू आर, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ी सी बात समझने वाली, अगर आपका बाहर वाला रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टर काफी ज्यादा बड़ा हो जाए आप इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल आर जो है सपोज कर लीजिए इट इज फार ग्रेटर देन एन आर, तो इट कैन बी निग्लेक्टेड, और अगर इसको आप निग्लेक्ट करोगे आई विल बी इक्वल टू एन इनटू ई अपॉन दिस कैपिटल आर, और आपका जो आई होगा यस बेटा एन इनटू ई अपॉन आर, सिंगल सेल जितना करंट दे रहा है
उसको आप एन से सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल करंट आपका सर्किट में इतना बन गया। और अगर आपका ये वाला टर्म बड़ा पड़ जाए, ये छोटा पड़ जाएगा, तो आप इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, आई विल बी इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर, और आई विल बी कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर, ये आपके पास विथ करंट आपको मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा सारे स्टूडेंट्स, सीरीज में ग्रुपिंग हम तब करते हैं सेल्स की जब हमें ज्यादा वैल्यू ऑफ द ईएमएफ चाहिए हो। मान लो आप 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट या ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं, तब आप अपने सेल्स को सिंपली बच्चों सीरीज में कनेक्ट कर दो, आपको ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगी। और अगर ज्यादा करंट चाहिए तो ये आपका अरेंजमेंट नहीं चलेगा, फिर हमें कोई और चीज, कोई और मेथड देखना पड़ेगा। और लेट अस गो फॉर दैट। यहां तक क्लियर है पुत्र? चले बच्चों आगे। सो आइए इसके बाद हमारे पास है बेटा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स क्या है। और पैरेलल ग्रुपिंग हम क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहां पे करेंगे और उसका फायदा क्या होगा, आइए कंसंट्रेट करें इस चीज पे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स बेटा। पैरेलल ग्रुपिंग में आपका ये एक सिंगल सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आइडेंटिकल सेल आपने एक और लिया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, एक और आइडेंटिकल सेल लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सो ऑन, nth सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इनको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया इन दिस वे बेटा। जब आप इनको कनेक्ट कर देते हैं इन दिस मैनर, तो आपका इनको एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस भी अटैच करना जरूरी बन जाता है। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर आ गया जी, ई एम एफ एक सेल की ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है, टोटल एन सेल्स हैं आपके पास बच्चों। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ई एम एफ, नहीं एन है, एन है, एन सेल्स हैं, दो नहीं है, सेल्स एन है ना नंबर में, तो आपका नेट ईएमएफ बेटे जो है, पहली बात तो ये एन, एन अब आपका नहीं रोल प्ले करेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ई रह जाएगा, सेम रह जाएगा क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में आपका वोल्टेज सेम रहता है। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, 1/R इफेक्टिव, इट विल बी 1/R प्लस 1/R सो ऑन एन टाइम्स, इट विल बी n/R एंड R इफेक्टिव इज R/N, ठीक है जी। बाहर वाले रेजिस्टर के साथ ये सीरीज में लगा हुआ है, तो नेट रेजिस्टेंस आपके सर्किट का आ गया कैपिटल R प्लस स्मॉल R अपॉन N, आप इसको N इंटू R प्लस स्मॉल R अपॉन N करके लिख सकते हो। अब आपका नेट करंट आपको चाहिए कि ये सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसके लिए आपका आई जो है ई एम एफ ई अपॉन एन इंटू आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन कर दिया जी आपने, इसको एन को आप न्यूमरेटर में ले जाइए, एडजस्टमेंट कर लीजिए टर्म्स का, आई विल बी इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर प्लस स्मॉल आर आ गया। अगर ये वाली टर्म इस टर्म से काफी बड़ी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आप ड्रॉप कर दोगे, उस केस में आपका आई आ जाएगा एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर, और आई आपका ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस सिंगल सेल के करंट के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन अगर ये टर्म इसके कंपैरेटिवली छोटी पड़ जाए, तो आपका आई जो है एन इंटू ई अपॉन आर आ जाएगा, और इट विल बी एन टाइम्स द करंट गिवन बाय द सिंगल सेल एस। सो बच्चों याद रखिएगा, जब आपको अपने सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट चाहिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ के लिए आप सेल्स को बच्चों सीरीज में अटैच करोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट के लिए पैरेलल में आप अटैच कर दोगे,
और कहीं अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए हो फिर किसी में आई ज्यादा है किसी में बी ज्यादा है, आपको पावर चाहिए यही कर ले। इसमें तो करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है। जब जब आपको अपने सर्किट में ज्यादा पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, आप मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है जी। सो आइए बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स 2 मिनट लगाकर कंप्लीट कर लें, देन फिर आपका ये चैप्टर जो है इट विल स्टैंड फिनिश्ड बाय ऑल मींस। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे बाद में। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स बेटा क्या है आइए देखें। ग्रुपिंग, इसमें आपके पास एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, nth सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे सेल्स आइडेंटिकल, n सेल्स हैं हर एक रो में, एक रो ये आ गया, ये दूसरा रो, तीसरा रो और so on nth row, mth row, sorry, nth नहीं mth row, आपने इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन सेल्स का बनाया, हर एक रो में n सेल्स हैं, टोटल m रोज आपने बना ली और यहां पे एक अटैच कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरी नाइस, ये लगा दिया आपने। एक रो पे कंसंट्रेट करिएगा, एक रो का नेट ईएमएफ आपका जो है एम इंटू ई आ गया जी, बाकी की रोज बिल्कुल इसके पैरेलल हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ आपका जो है ये आपका बेटे जो है एम इंटू ई के बराबर आपको मिल गया। एक रो का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एम इंटू आर आ गया, ये सारे सीरीज में लगे पड़े हैं, है ना, टोटल एम रोज हैं, इट विल मीन दैट कि 1/r इफेक्टिव, 1/nr, 1/nr m टाइम्स आ जाएगा जी, चेक करिएगा, है ना पुत्र। सो ये आ गया आपका m अपॉन एम इंटू आर, उल्टा कर दें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंटरनल आ जाएगा जी, एंड आर इफेक्टिव आपके पास आ गया एम इंटू आर अपॉन एम बेटा, चेक करिएगा, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, हां जी पुत्र जी, आर टोटल या नेट, इट इज एन इंटू आर बाई एम प्लस बड़े वाला आर, राइट। इसको एक स्टेप और आगे ले जाइए, आर की नेट वैल्यू आपके पास आ गई एन इंटू आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, और आई सर्किट में ये चाहिए आपको अब आई, है ना, यस, इसको डिवाइड कर दीजिए, एन इंटू ई नेट ईएमएफ है, एन इंटू आर, एम इंटू आर डिवाइडेड बाय एम कर दें, इसको थोड़ा सा आप अमेंड कर दीजिए रिलेशनशिप को, आई आपके पास आएगा एन इंटू एम इंटू ई, एन इंटू आर प्लस एम इंटू बड़े वाला आर। आप चाहते हैं कि आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट मैक्सिमम मिले, और करंट मैक्सिमम तभी होगा अगर ये डिनोम कम हो जाएगा, यस। सो ये वाला पार्ट रेप कर दूं बेटा, सो वी विल से दैट बेटा फॉर फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आपका एम इंटू आर प्लस एम इंटू आर, इट शुड बी मिनिमम, है ना बेटा, और इसको मिनिमम हम कैसे कर सकते हैं आइए देखिएगा, एम इंटू आर
प्लस एम इंटू आर, इसको आपने लिखा रूट एम इंटू आर माइनस रूट एम इंटू आर, इसका सारे का स्क्वायर, देन बेटा प्लस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू आर एम इंटू आर। जरा चेक करिएगा ऐसे जस्टिफाइड है कि नहीं। हमने इसको रिलेशनशिप को इसको इस फॉर्म में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। आप ये स्केयर रूट इसका स्केयर कंप्लीट करके देख लीजिएगा ये वापस मिल जाता कि नहीं, मिल रहा है ना? नहीं नहीं विश्वास वाली बात नहीं है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, वो माइनस इसके साथ। हाँ जी क्या रह जाएगा? यही रह जाएगा, इसी को लिख रहे हैं इस फॉर्म में। इट विल मीन दैट आपका करंट आई बच्चों आ गया एन इंटू एम इंटू ई अपॉन रूट एन आर माइनस रूट एम आर इसका स्क्वायर प्लस टू रूट एन आर रूट एम आर। अब ये मिनिमम तब होगा अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर तभी मिनिमम होगा। यस राइट राइट यू आर। एन आर इज इक्वल टू एम इनटू आर, इस कंडीशन के अंडर आपका जो सर्किट है आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द करंट बेटा दे देगा। नहीं मैं करंट की बात कर रहा हूं, लिखो। हाँ बोलो। वैल्यू ऑफ आई वो सीधा ही पुट कर दो कि इसमें रह गया क्या, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा काम है। आपको नंबर ऑफ सेल्स एक रो में पता है, एन की जगह वो आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज एम है वो भी आपने पांच बोली है वो एम आ गया, ईएमएफ आपके पास है, एक्सटर्नल आपके पास है, तो रह गया क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल वैल्यूज पुट करने वाली रह गई। मैक्सिमम पावर थ्योरम, हाँ कौन सी वाली? देख के आपको बता दूंगा, ऐसे मुझे याद नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक हुआ करता था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो प्रीवियसली हुआ करता था, बहुत देर पहले था, अब तो नहीं है वहां पे, अगर होगा तो आई विल री लुक फिर आपको बता दूंगा। ठीक है एक छोटा सा बेटे प्रॉब्लम, हाँ जी इसमें पुट कर दीजिए आप एन एम ई एन आर आर, खत्म हो गया सब मिल जाएगा आपको। छोटा सा एक प्रॉब्लम करके देख लो, टू सेल्स वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, टू आइडेंटिकल सेल्स रादर वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट व्हेन कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करिए यही तो करवाना है आपसे सीरीज में, और आपने बिल्कुल ठीक कहा है सीरीज में और पैरेलल में दोनों के करंट्स इक्वेट कर दीजिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट यू आर। तो एक मिनट लगा के देखिए बेटे जल्दी से, जरा आपके पास दो ही सेल्स हैं ज्यादा नहीं है,
और दोनों आइडेंटिकल हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस रे का स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टर आर के क्रॉस आपने लगा दिया, चाहे सीरीज में लगा दो चाहे पैरेलल में लगा दो, करंट सेम ही दे रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप चाहिए हमें। एक मिनट का काम फटाफट कर लीजिए। गुड गुड वेरी गुड। जब आप सीरीज में लगा देते हो कितना आता है? ये था पैरेलल में क्या था? ये था एन आपका टू है, तो फटाफट कर दो, फिर रह गया कुछ भी नहीं, फिर तो हो जाएगा। अब कर दीजिए, एन इज टू, ये सीरीज में ये पैरेलल में, करंट आपको सेम मिल रहा है, कोई दोनों बराबर आ रहे हैं बिल्कुल। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, आपका बिल्कुल ठीक है जवाब, थम्स अप फॉर यू, नाइस। सो विद दिस बेटा हमारा ये चैप्टर जो है इट स्टैंड्स फिनिश्ड। एक छोटा सा पॉइंट आपसे जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, किरचॉफ्स लूप रूल नहीं है तो आसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुश्किल है, उसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर करके देखिएगा बेटा। है थैंक यू ऑल।